गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। गाइस अभी सुबह के ना 9 बज चुके हैं और मैं बहुत देर को उठ चुका हूँ, लेकिन पानी गिर रहा था ना, इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर पाया था और जस्ट अभी आके इधर बैठा हुआ हूँ। आज मम्मी सुबह सुबह ही पता नहीं कहाँ निकल गई है और मेरे को खाना बनाने का, तो रोटी रोटी बनाऊंगा, आदित्य ने वहीं बना देगा, मैं रोटी बनाऊंगा। मैं घर में आज अकेला हूँ तो मेरे को ही रहने का घर में, और मैं देखता हूँ कपिल से बात करके कहीं जामे तक भी जाना था, पानी नहीं गिरा, जामे तक जरूर जाएंगे हम लोग। सो गाइस, मैं अपने रूम से बाहर निकल चुका हूँ, जैसे आप देख सकते हैं मैं इधर बाहर आ गया हूँ। और आप मौसम देखिए, आज एकदम साफ साफ और क्लीन मौसम है आज का। तो गाइस इधर पूरा मतलब क्लीन एंड क्लियर मौसम। मैंने शर्ट इसलिए दूसरी पहनी क्योंकि रात में सोते सोते मेरे हाथ पे ना भोरसा कीड़ा रगड़ा गया था, तो मेरे को ना भोरसा कीड़ा जो होता है ना, उसको बाल रहते हैं इतने छोटे छोटे, वो बहुत बहुत दर्द करते हैं। पीछे ना कोहरा लगा ही रहता है हमेशा, देखो अभी भी कोहरा दिख ही रहा है। इधर पहाड़ी इलाका है ना गाइस, यहाँ पे पहाड़ी है इसके पीछे, तो इसलिए यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा है। के बाद मुझे धूप देखने को मिली, कल भी मिली थी लेकिन कल उतनी ज़्यादा नहीं मिली। आज देख सकते कितनी धूप है, बहुत तेज़ धूप है। आराम रख देता हूँ, मेरे को नहाना भी है और पहले रोटी बना लेता हूँ, उसके बाद में पानी रख दूंगा नहाने के लिए। सो गाइस, मैं आज क्या बोलते हैं धान दे के आऊँगा, धान क्या बोलते कितनी होगी नहीं होगी, क्योंकि उस दिन बोए थे ना हमने, तो देखना पड़ेगा क्योंकि पानी वानी भी गिर रहा है। उधर जाके नहीं देखेंगे, ढोर बच्चा वगैरह घुस जाते उधर। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सो गाइस, रात में आम का रस बनाया था ना, तो उसकी वजह से मेरे को सर्दी लग गई है। आम थोड़ा सा खट्टा था, ज़्यादा खट्टा नहीं था, मीठा ही था, लेकिन मैं शक्कर डाल दिया। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन हो चुके हैं मेरी सर्दी लगी है, अभी तक ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने गोलियाँ खा लिया, 6-7 गोलियाँ खा लिया, 6-7-8 गोली खाया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर्दी कैसे ठीक होगी, जल्दी जल्दी सर्दी ठीक करने का। तो आप देख सकते हो मैं इधर घर पे हूँ और किचन रूम पे हूँ। मैंने रोटी बना ली है, आदित्य ने वहीं बना दिया था ना, तो आदित्य वहीं रोटी खा के जा चुका बेलटोर लेके। मैंने भी खाना बना लिया और अभी घर का काम कर लेता हूँ, पानी भी रख दिया, नहाऊंगा मैं। तो गाइस, मम्मी कहीं गई हुई है और उनको आने में टाइम है, पता नहीं कितना टाइम, जितना भी टाइम लगेगा मम्मी आ जाएगी। तो मैंने जैसे आप देख सकते हो मैंने नहा लिया है और मैं वापस अब मूली लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि मूली एक साइड लगाए थे ना हमने, एक साइड लगा नहीं पाए थे, क्या दो कूड़ बनती ना ऐसी, तो एक साइड लगाए थे एक साइड नहीं लगाए थे, पानी गिरने लगा था इसलिए बंद कर दिया। धूप अच्छी निकल चुकी है ना, तो थोड़ा सा सूख भी गया है, तो मैं जल्दी जल्दी लगा देता हूँ कि पानी का मौसम फिर से बन रहा है ना। पहले ही हूँ, मम्मी कहीं गई हुई है, अभी तक आई नहीं, पता नहीं कहाँ गई मम्मी। और पापा जी दुकान पर, आदित्य मोहित भी दुकान पर, आदित्य गाय बैल लेके चला गया कि मूली लगाते हैं। जैसे कि देख सकते हो मैंने ये बीज ला लिया, ये देखो ये मूली का बीज है। सो गाइस, हम लोगों ने उस दिन ना इस तरफ मूली लगाए थे, इस तरफ नहीं लगाया था, अब इस तरफ लगाने का है, क्योंकि उस दिन पानी आने लगा था इसलिए इस तरफ नहीं लगा पाए हम लोग। सिर्फ यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, अब इस तरफ लगाएंगे हम लोग। इस तरफ देख सकते हो आप, मैं अकेला ही मूली लगा रहा हूँ और मैंने आधा लगा, जैसे वो लकड़ी गड़ी ना वहाँ तक मैंने लगा दी, अब आगे और लगाऊंगा। गाइस 5 घंटे की मेहनत के बाद में पूरी तरीके से मैंने मूली लगा दी, अकेले लगाया, किसी ने साथ नहीं दिया, कोई था नहीं मैं यहाँ पे, तो मैंने अकेले लगाया। पूरी 5 घंटे की मेहनत के बाद में पूरी मूली लग चुकी है, अब मैं भी थक गया हूँ। इसमें थोड़ा क्या बोलते हैं घर का भी और काम बचा पहले, उसके बाद थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद में घर के में झाड़ू लगाने का है, मम्मी कहीं गई हुई है।
मम्मी अभी तक आई नहीं, पता नहीं कहाँ गई थी, आके फिर वापस चली गई है। सो गाइस पापा आए हैं, पापा जी को मैं चाय बना के दे दिया, भैया और आए हैं वो कुछ चूल्हा वूल्हा लेके आए हैं उन्होंने, कुछ बेचने वाला जो आग जलाने चूल्हा होता है ना वो चूल्हा लेके आए हैं, वो बेचने के लिए कुछ है ऑफर टाइप का, तो वो लेके पापा जी वही देख रहे हैं और मेरा काम भी कम्प्लीट हो चुका है। तो मौसम देखो गाइस, मौसम भी वापस से बन गया, पानी भी गिरने वाला, धूप भी निकली है और इधर मौसम भी बना हुआ है, जैसे पानी भी गिरने वाला है, धूप भी निकली, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कहने को समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो। सो गाइस मोबाइल भी डिस्चार्ज होने वाला है, मैं चार्ज में लगा देता हूँ उसको जब तक घर का काम कर लेता हूँ। और सकल देखो गाइस एकदम बाल वाल सब बिखर गया, मैंने सब सेट किया हुआ था, पूरे बिखर गया यार, खतरनाक। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैं इधर घर आ गया हूँ और अभी पानी गिरा, रात के भी 10, रात के भी 8 बज रहे हैं और मम्मी पापा दोनों आ चुके हैं, पापा भी आ चुका है दुकान से, मम्मी भी आ चुके हैं जहाँ पे काम पे गई थी ना, और क्या बोलते हैं मैंने ना मूली लगा दिया, अब थोड़ा सा और रह गया, उधर लगा दिया था मैंने, मम्मी ने बताया इधर और रह गया साइड वाले में सामने, तो उसको भी लगाने का जो कल सुबह लगाऊंगा मैं। आई होप गाइस ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और नए हो तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, तो प्लीज़ 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 भाई।